हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली एक्सप्रेस। आरोही के सामने आया 6 साल पुराना राज। आरोही कर रही है एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन, जिस दौरान उसके सामने आ गया है एक बड़ा राज जो बिरला खानदान से जुड़ा है। इस राज के बाद बिरला खानदान फिर से एक बार बिखर जाएगा और आमने सामने होंगे दो भाई। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं दिल्ली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि बिरला खानदान की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है जो आरोही के सामने आ जाएगी एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फिलहाल तो आरोही समर कैंप में है लेकिन उस दौरान भी उसने काम चालू करा रखा है। दरअसल हॉस्पिटल में जितनी भी मशीन्स हैं उन सब का ऑडिट करवा रही है आरोही। ऐसे में उसके पास आता है कॉल डॉक्टर रोहन का, जो उसको बताते हैं कि बिरला खानदान में जित जिम्मेदारी को आप संभाल रही हैं उसमें कुछ धोखा हो रहा है आपके साथ। वेल, उसके बाद आरोही हैरान हो जाएगी क्योंकि उसको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी ही सेकेंड हैंड हैं। जहाँ तक कि आरोही को पता है सारे नए मशीन के पैसे भरे जाते हैं, यानी नई मशीन की कीमत पे सेकेंड हैंड मशीन इंस्टॉल्ड है पूरी की पूरी हॉस्पिटल में। और ये सब तब से हुआ है जब से हॉस्पिटल की कमान यानी बागडोर महिमा और पार्थ के हाथों में आई है। और 6 साल पहले भी यही हुआ था, जब नील अस्पताल में एडमिट था तो वो जिस मशीन पर लेटा हुआ था वो भी सेकेंड हैंड ही थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अभीर अभी जिस मशीन पर हॉस्पिटल में एडमिट था वो भी एक सेकेंड हैंड मशीन थी। आपको बता दें उस दौरान मशीन में आग भी लग गई थी, यानी महिमा और पार्थ मिलकर एक स्कैम चला रहे हैं, पैसे गायब किए जा रहे हैं और उस कीमत पर सेकेंड हैंड मशीन लाई जा रही है जिससे कई सारी पेशेंट्स की जान को खतरा है। अब इतना बड़ा स्कैम करके महिमा और पार्थ बच चुके हैं लेकिन इस ऑडिट से वो फंसेंगे। ये सच आरोही को अब अभिमन्यु को बताना होगा, लेकिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे आरोही अभिमन्यु को बताती है कि अस्पताल में क्या स्कैम चल रहा है और एक डॉक्टर के पेशे वाले परिवार में क्या गुनाह किया जा रहा है। वेल, आपको क्या लगता है, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।